वहीं असम का रुख करना होगा। असम के ढींग गैंगरेप मामले में आरोपी की मौत की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस हिरासत से भागने के दौरान उसकी मौत हुई थी। असम के ढींग सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी की मौत कैसे हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। बताया जाता है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लव तामुली के नेतृत्व में एक विशेष जांच समिति मामले की जांच करेगी। राज्य पुलिस ने दावा किया था कि ये घटना उस समय हुई जब पुलिस आरोपी को 24 अगस्त की सुबह क्राइम सीन के लिए घटना स्थल पर लेकर गई थी। आरोपी के पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास में सड़क किनारे स्थित तालाब में कथित तौर पर कूदने से मौत हो गई थी। तालाब से आरोपी का शव बरामद कर लिया गया था। बताया जाता है कि आरोपी सामूहिक बलात्कार मामले के 3 आरोपियों में से एक था। आपको बता दें कि ढींग में 22 अगस्त की शाम ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रही किशोरी के साथ कथित तौर पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने बलात्कार किया था। तीनों आरोपियों में से एक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अब भी फरार है।